या सबसे पहले तो उन सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि मुझे पर्सनली DMs और WhatsApp Instagram पे कर रहे थे कि यार ज़हीर व्लॉग कब आ रहा है, ठीक है तुम तो बिल्कुल ब्रेक लगा लियो या ये सारा कुछ। तो यार ये चीज़ देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग ना इतना ज़्यादा कनेक्ट हो मेरे साथ। तो सर सीन्स ऐसे हैं कि पेपरों के दिन में ना हमने किए दो व्लॉग्स बड़े ही अमेजिंग मज़ेदार लेवल जी। तो आइए चलते हैं अपने पहले व्लॉग की तरफ। हाँ इधर से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक हो गया आप सबका एक अनदर पार्ट ऑफ माई लाइफ में। उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग ना अपने अपने बच्चों और बच्चों के साथ बाबू शोना बड़े पीक लेवल पे कर रहे होंगे। नहीं मेरी तरह इमेजिनेशन की दुनिया में। अच्छा चीज ऐसे है कि यार आज जो है ना हमारा प्लान ये है कि हमने करनी है वेडिंग क्रैश। वेडिंग क्रैश मीन्स के मुफ्त की रोटी खानी है, किसी भी मैरिज हॉल या मार्केट में चले जाना है वहाँ से खानी है खुली रोटी। क्या सोच है रे तेरी? वैसे हमें कोई बुलाता नहीं है तो खुद ही जाना पड़ेगा ना, मतलब कि सर्दियाँ गुजर गई हैं, क्या पता कोई मच्छी शच्छी कोई हलवा शलवा इस तरह का सीन मिल जाए। फिर मिलते हैं आपको कुछ ना रेडी शेडी होके। कैसा लग रहा है? मतलब ऐसी फील आ रही है कि अपने ब्याह किसी का मुँह शू भी बस ठीक है, मुँह तो लिया सी दोस्त ने या मुफद राम खान चले। अबे साले क्या रंग है जरा पता नहीं। वैसे यार आप बता दें जरा, ये गलत बात है यार, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है अभी हमने लेना है एनवेलप, उसमें जरा कुछ चीजें डालेंगे। ले लिए हमने दो काले बैठ लिया साथ समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। 8:01 PM शादी पे हम आ गए हैं। डर ही लगता था क्योंकि स्टार वाला सीन है, अजय बंदे छंदे बाहर पता है वो जहाँ वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं तो वो वाले सीन्स चल रहे हैं। लेडीज वॉशरूम में ठीक है, लेडीज वॉशरूम में मुझे तो ना आ गया तो कंगी चंगी कौन है, और मतलब कि लेडीज खड़ी थी वो बस मजा उतरो ना फाड़ ले आना था मजा तो देख दे। और उन साहब इधर इतने मुतमिन होके कॉल आने की एक्टिंग कर रहे थे जैसे दूल्हा इनसे पूछ रहा हो कि इंतजाम ठीक नहीं कि कोई ना। दोस्त किधर है आपका ब्रदर? दोस्त यार हूं मैं, टाइम को लिफ्ट करांदा है ऐसे ही मतलब बाल तो तड़ी बस सही है बाहर मिलया मनो नाल मैं खाने दा पूछया मैं उन्होंने बस खाना लवान लगे। अच्छा दे थोड़ी देर तक जान रवि साले हां ये आपका इंतजार था जल्दी आइए फिर खाना खा के हम जाइए। आए तो आओ यार आप शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मैं ना इको ची पा लेने ठीक है। ओके ओके कितने आया मैं जेर दे दोस्त दिन बंदी तो नहीं तू समझा नहीं बस कर दियो दिनचर्या जी सारा जी खाना है।
चले चाय चाय उधर दो से मिल लो ना आपने चांदी भरी लानी है बह जाना पिंक टी मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना हाय यार वो नहीं है ਗਿੱਟੀ ਛਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਸਹੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਵੇਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੇਟਰ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜੋ ਚੜਿਆ ਮੰਦਰ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੜ ਪਾ ਤੂੰ ਵੜ ਪਾ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਰਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਰਾਮ ਖਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲ ਖਾਸ ਪੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਕੱਢੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਢੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੈਨੇ ਤੁਝੇ ਮੋਲੀ ਸੋਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਨੇ ਤੁਝੇ ਆਖੋੜੀ ਆਏਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਜਣਾ ਆਹਾ ਆਹਾ ਆਏ 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 ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ यार आप लोगों ने देखा होगा कि इस व्लॉग में ना मैंने इनवेलप नहीं दिया मेहंदी के फंक्शन पे इनवेलप नहीं देते बारात पे देते हैं तो मैंने इनवेलप नहीं दिया तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो बारात वाले दिन का जो कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो गुजरात की लोकेशन में कोई भी एक्स वाई जेड मार्की या मैरिज हॉल आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक डेयर होगा नेक्स्ट मेरे दोस्त मेरे तरफ आए रात को 12 बजे का टाइम था तो कहते हैं कि यार मुझे चक्कर लगा के आना सिटी की तरफ तो हम सिटी की तरफ गए तो अचानक हमारे माइंड में आ गए कि यार मतलब कि सब्सक्राइबर्स ही करवा लें वैसे तो हम जो है ना वैसे घूम फिर रहे हैं ना एक चैनल है हमारा तो सब्सक्राइब तो कर दो हैदर भाई शहबाज भाई अदरीस भाई मुकाम हो गया यार मेरी जिंदगी की सी ते मैं की आ गया मैं बड़ा अपना परेशान परेशान जिंदगी कर ला पिया अच्छा यार पेट्रोल साडा मुक गया अच्छा यार 50-50 रुपये दे दो दोवे बंदे कंगाल हो कंगाल हो क्या अच्छा यार जैना सारा एक यूट्यूब चैनल है ठीक है अगर तुहाडे 2 मिनट लग जाण सानू जैना सब्सक्राइब कर दियो अरे बस कर भाई ओ पागल बन गए पिछे छोड़ दे या स्नोकर हम आ गए अब पेट्रोल में कौन सा पावे जहर ते यमन के नाथ हो जाए कम टपा डप टपा डप टपा डप ऐसी है गुजरात दी हां अपने जना मस्जिद बनाने लगे हैं अपने गांव दे विच ना ते चंदा चाहिए सारे सारे को जाना थोड़ा बैठ देना चंदा सा अल्लाह दा काम है को रमजान भी आ रहा है कह लो कोई आ लिए सारे ने फिर हां कोई नहीं फिर यार तुसी देखी तो काम कर रहे हो सारे को अच्छा यार साडा जाना एक यूट्यूब का चैनल है मैं अंदाज लग गया था भाई का नाम देते ठीक है तो 20 सब्सक्राइबर से कंप्लीट करवाने ने कुछ साडे हो गए ने लेकिन कुछ रह गए ने तो अगर सारे भाई करवा देने साडा काम मुक जांदा है दूर रह के हां भाई यार सच्ची बात है सच्चा काम यार तू आ के सच्चा ए यून कहता है कि हफ्ते में ना एक दफा आए करेंगे ना डील जड़ी की आंदे ने अदा तैयार हो गया मां करा दे मार तू बली मेरे चला वे
इसके अलावा अपने एग्जाम की रूटीन के बारे में मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो अभी थोड़ा सा एडिट करने वाला है मैंने। इस व्लॉग पे जो न्यू पर्सन आए हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब कराया था, सबसे पहले तूने मेरी तरफ से गला भी ठीक है, तो व्लॉग अच्छा लगा सेटिस्फाई हो तो सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट एक अच्छे से सेक्सीएस्ट व्लॉग में, तब तक अपने और अपने बाल बच्चों के साथ बाबू शोना करते रहो, अल्लाह हाफिज़। तो यार ये चीज़ देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग इतना ज़्यादा जाना इंटरेक्ट हो मेरे साथ, इतना ज़्यादा क्या खेल इंग्लिश में रैली नहीं तो हम मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो मेरे, तो ये सारी चीज़ें देख के जो है ना बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग ना इतना ज़्यादा कनेक्ट हो मेरे साथ। तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता।